हैदराबाद में अब न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम की अगली लड़ाई है या यूं कहें कि वर्ल्ड कप की तैयारी है और यहां पर हम करेंगे उसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच से हिंदी में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, श्रीलंका पर शानदार जीत के बाद या यूं कहें क्लीन स्वीप करने के बाद अब भारतीय टीम की जो नजर है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, लेकिन ये टीम जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। अभी हाल ही में जाकर पाकिस्तान को उन्हीं के घर में 2-1 से हरा कर आई है। वसीम, तो कितनी चुनौती भारतीय टीम के पास होगी, किस तरीके से देख रही होगी टीम इंडिया? बड़ी चुनौती है क्योंकि वर्ल्ड नंबर वन टीम है और भारत अगर ये सीरीज 3-0 से जीतता है तो भारत के पास चांस है नंबर वन बनने का। तो ये एक मुझे लगता है एडेड मोटिवेशन होगा भारतीय टीम के पास। एक चीज अच्छी है कि केन विलियमसन नहीं है, टीम साउदी नहीं है, इवन मैट हेनरी नहीं है, बट आई फील केन विलियमसन का बड़ा फर्क पड़ेगा। केन विलियमसन पाकिस्तान की सीरीज के सामने भी सर्वाधिक स्कोर उन्होंने ही बनाया था और इवन टीम साउदी भी, आई फील के नए बॉल से वो जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं और उनका एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि डेफिनेटली मिस होगा। तो ये दो प्लेयर न्यूजीलैंड बड़ा मिस करेगा, इवन तो भारत भी अक्षर पटेल और केएल राहुल को डेफिनेटली मिस करेगा, खास करके अक्षर जिस फॉर्म में थे, इवन केएल राहुल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की। बट आई फील के यू नो इंडिया टीम फिर भी काफी स्ट्रांग है अपने होम कंडीशंस में। बट मुझे लगता है कि थोड़ी कड़ी चुनौती होगी श्रीलंका के सामने, जितनी आसानी से भारत जीता था मुझे लगता है कि ये सीरीज थोड़ी सी भारतीय टीम को चुनौती देगी जाहिर तौर पर। और आपने कहा कि दो खिलाड़ी उधर नहीं है, उसका फर्क के पड़ेगा, भारत से थोड़ा सा अपने आप को एडवांटेज के तौर पर देख रहा होगा, लेकिन अक्षर पटेल और केएल राहुल भी नहीं है जिनका प्रदर्शन हाल के दिनों में काफी अच्छा रहा था, जहां तक वनडे सीरीज वनडे मैचेस का सवाल है। वसीम, तो चलिए बिना वक्त गवाए आपसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके वो 11 कौन होंगे जो इस मुकाबले में हैदराबाद में भारतीय टीम में नजर आ सकते हैं। मेरी अगर प्लेइंग 11 अगर मैं निकालूं तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये दोनों ओपनर होंगे विदाउट अ डाउट। विराट कोहली नंबर 3 पर, ईशान किशन नंबर 4 पर आएंगे, श्रेयस अय्यर क्योंकि इंजर्ड है तो मैं ईशान किशन को वो नंबर पे खिलाऊंगा, सूर्य कुमार यादव नंबर 5, हार्दिक पांड्या नंबर 6, वॉशिंगटन सुंदर होंगे मेरी टीम में नंबर 7 पे। नंबर 8 पे थोड़ा डिबेटेबल है कि नंबर 8 पे कुलदीप यादव होंगे, शार्दुल ठाकुर से भी मैं एक्चुअली थोड़ा टेम्पटेड हूँ तो अभी के लिए मैं कुलदीप यादव को रखता हूँ नंबर 8 पे, और फिर 3 सीमर 9-10-11 उमरान मलिक सिराज और शामी, ये मेरे 3 फास्ट गेंदबाज होंगे, 2 स्पिनर वॉशिंगटन और कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या 6 बॉलर। वसीम, आपकी स्प्रिंग 11 को देखिए एक सवाल उठता है जहन में, क्योंकि जब हम लोग भारत और लंका सीरीज पर लगातार चर्चा कर रहे थे तो बात यही हो रही थी कि भाई नंबर 8 पर अगर आपके कुलदीप यादव आते हैं या शमी आते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न है, बार बार आपने इस बात को उठाया था, लेकिन इस सीरीज में वहां पर शार्दुल ठाकुर का एक विकल्प है जो पहले मैच में शायद आप नहीं रखना चाह रहे हैं, लेकिन चलिए मैं इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से अगर पूछूं आने वाले समय में, क्योंकि भारत के पास अब करीब 17 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो शार्दुल ठाकुर क्या वो खिलाड़ी हो सकते हैं वसीम जो नंबर 8 पर वो भूमिका निभा सके? बिल्कुल, शार्दुल ठाकुर और इवन मैं दीपक चाहर का भी नाम रखूंगा कि ये दो कैंडिडेट हैं जो नंबर 8 पे बैटिंग कर सकते हैं और नए बॉल में, दीपक चाहर डेफिनेटली नए बॉल में आपको बॉलिंग डाल के दे सकते हैं, शार्दुल ठाकुर थोड़ा सा वन चेंज बॉलिंग करते हैं, डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, तो ये दो नाम मुझे लगता है और शार्दुल ठाकुर के ऊपर नजरें होंगी विदाउट अ डाउट, मुझे लगता है कि उनको नजर में रखना होगा क्योंकि वो बैट से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बॉलिंग आपको 10 ओवर डाल के दे सकते हैं और थोड़े से विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनके पास, तो वो ऐसे बॉलर हैं कि जो विकेट आपको निकालते हैं, कभी कभार एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन आपको हमेशा विकेटें निकाल के देते हैं। तो इवन तो मैं इस वनडे मैच में उमरान मलिक के साथ जा रहा हूं, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर को नजर में रखूंगा। और वसीम, इस मुकाबले में खासतौर से सीरीज की अगर बात करें तो दो खिलाड़ी जिनकी लगातार बात हुई थी, ईशान किशन डबल सेंचुरी लगाने के बाद अगले मैच का हिस्सा नहीं हो पाए थे, सूर्य कुमार यादव को वो मौका नहीं मिल पा रहा था, पर आप देखिए यहाँ श्रेयस अय्यर रूल्ड आउट हो जाते हैं पीठ में चोट की वजह से, यानी सूर्य कुमार यादव के लिए एक जगह बन गई है, ईशान किशन इसलिए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रहेंगे क्योंकि केएल राहुल नहीं है सीरीज में, हालांकि केएस भरत को भी जरूर स्क्वाड का हिस्सा रखा गया है, तो सूर्या और ईशान किशन इन दोनों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी खुद को एक बार फिर प्लेइंग 11 में पूरे तरीके से मजबूती के साथ
पैर जमाने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खास करके ईशान किशन के लिए, क्योंकि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हुए आए हैं, जो डबल हंड्रेड भी बनाया है, वो ओपनिंग करके बनाया है, लेकिन अब इस टीम में क्योंकि टॉप थ्री में जगह नहीं है, तो शायद उनको नंबर चार खेलना होगा, तो उस नंबर से उनको थोड़ा यूज टू होना होगा, क्योंकि बीच में स्पिन हैवी न्यूजीलैंड की, जैसे हमने बात की है कि उनके पास तीन स्पिनर है, एक ऑफ स्पिनर, क्वालिटी ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत बढ़िया है, ईश सोडी लेग स्पिनर है, तो उसके सामने वो किस तरह से खेलते हैं ये उनके लिए चुनौती होगी। सूर्य कुमार यादव अगेन, जो फॉर्म उन्होंने T20 में यू नो हमको दिखाया है पिछले साल से, अगेन उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो वनडे क्रिकेट में भी उसी तरह से यू नो क्या वो खेल पाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क हमको देखने मिलेगा। तो शायद ये सीरीज में उनको तीनों मैच शायद खेलने को मिले, तो अच्छा मुझे लगता है कि उनको देखने के लिए बड़ी अच्छी मौका मिलेगा कि वो किस तरह से ये वनडे टीम में, न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, इनके सामने किस तरह से खेलते हैं। हालांकि ऐसी कोई कमी नहीं है कि वो इस फॉर्मेट में नहीं खेल सकते, हालांकि टेस्ट टीम में भी उनका नाम आया हुआ है, लेकिन उनको अगेन वो अपना T20 का फॉर्म थोड़ा 50 ओवर में भी चेंज करना होगा। तो ये मुझे लगता है कि नंबर चार और पांच भारत के लिए बड़ी चुनौती है कि ये दो प्लेयर किस तरह से खेलते हैं। बेशक, और थोड़ी सी मेहमानों पर बात, न्यूजीलैंड पर बात, शुरू में आपने कहा कि केन विलियमसन नहीं है, सऊदी नहीं है, तो जरूर इफेक्ट पड़ेगा। अगर बल्लेबाजों की बात करें वसीम, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा था कि उनके घर में किस तरीके से डेवन कॉनवे शानदार तरीके से खेल रहे थे, ग्रेन फिलिप्स ने एक हारा हुआ मैच करीब करीब जिता दिया था न्यूजीलैंड को, इसके अलावा टॉम लेथम जबरदस्त फॉर्म में है, तो बल्लेबाज तो चलिए फिर ऐसा लगता है कि उनके पास मौजूद है, पर गेंदबाजी में थोड़ी सी कमी, क्योंकि मैट हेनरी भी नहीं, उन्होंने भी नाम वापस लिया है, सऊदी नहीं है। लॉकी फर्ग्यूसन पर क्या सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी, इस शोडी सैंटनर? जी हाँ, मुझे लगता है कि लॉकी फर्ग्यूसन तो विदाउट अ डाउट वो मेरे ख्याल से लीड करेंगे फास्ट बॉलिंग का अटैक उनका, और रक ब्रेसवेल है, लेकिन शायद शुरू में शायद उनको मौका ना मिले, हो सकता है कि वो दो सीमर प्लस डैरिल मिचेल और तीन स्पिनर के साथ में जाए, इस सोडी मिचेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल, क्योंकि वो बैटिंग भी करते हैं, मिचेल सेंटर भी बैटिंग करते हैं, तो उनकी टेल भी लंबी हो जाती है, प्लस ग्लेन फिलिप्स भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो आई फील के शायद तीन स्पिनर के साथ वो हो सकता है उतरे, और फर्ग्यूसन अगेन उनके लिए मुझे लगता है कि वो लीडर ऑफ द अटैक होंगे फास्ट बॉलर का, और इस सोडी सेंटर तो हम जानते ही हैं कि उन्होंने यू नो पाकिस्तान की सीरीज में कमाल की बॉलिंग की है, तो मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए यू नो इतना आसान नहीं होगा, इवन दो वो टीम सऊदी को मिस कर रहे हैं, बट आई फील स्टिल बड़ा चैलेंज पोस्ट करेगी ये न्यूजीलैंड अटैक। चुनौती बड़ी है, और चुनौती वसीम आबाद के पास भी है, हालांकि हम वर्चुअल इस वक्त बात कर रहे हैं, अगर स्टूडियो में होते तो शायद वो एक हेड भी आपको जरूर देते, प्रेडिक्शन हेड, क्योंकि आपका जो प्रेडिक्शन होता है बड़ा सटीक होता है। तो चलिए एक बार फिर आपसे जानते हैं कि ये सीरीज कैसे देख रहे हैं आप, भारत 3-0, 2-1 या न्यूजीलैंड की तरफ पड़ रहा चुका है, और बड़ा सवाल विराट कोहली का क्या एक और शतक या दो शतक इस सीरीज में? मुझे लग रहा है कि 2-1 से भारत शायद ये सीरीज जीत सकता है, और विराट कोहली का 100 तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर दो हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट एक तो मुझे लगता है कि एक जिस फॉर्म में वो है, 100 तो मुझे लगता है कि बनना चाहिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, शायद विराट कोहली कुछ वैसे ही कर चुके हैं वसीम, लगातार बनाते रहते हैं, लेकिन हमारी आदत हो गई है कि भाई आप एक और एक और एक और। बहरहाल अगर आपका एक और प्रेडिक्शन इसी तरीके से सटीक बैठा है तो भारतीय फैंस काफी खुश होंगे, क्योंकि दोनों चीज आपने भारत के पक्ष वाली ही कही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, एक बार फिर होगी वसीम आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 मैच डे हिंदी।